अगर आपके पास भी पुराने शर्ट हैं जो थोड़ा बहुत कहीं से फट गया है, जिसका कलर हट गया है, जो बहुत लंबे समय से रखा हुआ है और पहन भी नहीं रहे हैं और जिसे किसी देने लायक भी नहीं है, कभी कभी होता है ना कलर किसी किसी का चला जाता है, किसी का रहता है कि साइड से कॉलर के पास या हाथ की मोरी के पास घिस जाता है, तो इस तरह का हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं। तो आज मैं वही रीयूज़ करूँगी, पुराने शर्ट से दो आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों ही आइडिया बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आज मैं ये पुराने शर्ट का रीयूज़ कर रही हूँ और देखिए इसका कलर ना सीधे साइड से काफ़ी डल हो गया है और कॉलर के पास घिस भी गया है, तो हम इसको किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उसी का रीयूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ जहाँ से बाजू इसका जुड़ा हुआ है ना, वहाँ से कट कर लेंगे, तो इसी तरह से दूसरे साइड का भी पहले पूरा कटिंग कर लेते हैं दोनों ही आइडिया के लिए। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और बाजू वाला जो कट करे हैं उसमें से ये नीचे से उसकी मोहरी में, देखिए पहले एक में जहाँ से मोहरी लगी हुई है वहाँ से कट कर लेंगे और दूसरे में आधी इंच कपड़ा इसका एक्स्ट्रा रख के और फिर कट कर लेंगे। जो आधी इंच एक्स्ट्रा रखे हैं ना उसके ऊपर ये दूसरा वाला इस तरह से रख के और इस पर सिलाई चला लेंगे, तो ये एक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर सिलाई चला लेंगे। अब ये जो बंद भाग है बाजू वाला तो उसको कट कर लेंगे दोनों का, और सीधा इस तरह से करने के बाद देखिए ये दोनों टुकड़ा का कट कर लिए हैं। अब दोनों टुकड़ा को बराबर एक साथ रख कर देखिए ऊपर से थोड़ा सा गोल शेप में है तो वहीं से 16 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से जो मोहरी का जो बाजू वाला हल्का कट था तो वो भी कट जाएगा 16 इंच के निशान लगाने पे। तो अभी देखिए 16 इंच पे जहाँ से नीचे निशान लगाए हैं उसको पहले कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद ऊपर साइड से पहले इसको फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा गोल शेप देंगे, शेप आप अपनी इच्छा के ऊपर है, गोल दीजिए या ऐसे ही सीधा कट कर लीजिए, थोड़ा सा इसका ऊपर से गोल शेप है ही तो उसी को थोड़ा सा गोल शेप दे दूंगी और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया। अब ये है तो इसके देखिए जो नीचे साइड का है बाजू का मोहरी वाला साइड का, तो इस तरह से अंदर की तरफ दोनों टुकड़ों में इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई चला लेंगे। और अभी जो ये टुकड़ा बाजू कट करने के बाद जो बीच वाला है तो इससे भी कटिंग कर लेंगे, ये इससे दूसरा आइडिया बनाएंगे, लेकिन पहले इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि इसमें से जो कपड़ा बचे वो हमें स्ट्रिप के लिए चाहिए। तो अभी देखिए नीचे से जो हाथ से गोल शेप है वहाँ से सीधा लाइन बना लेंगे और उसके बाद यहाँ जहाँ से सीधा लाइन बनाया है ना ऊपर तक जहाँ से कॉलर स्टार्ट है वहाँ तक 22 इंच आ रहा है तो 22 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से 22 इंच पर निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। तो यही जो इसके कॉलर का ऊपर का है इसका पीछे वाले साइड से स्ट्रिप के लिए कट करेंगे। तो अभी इसको देखिए अभी इस तरह से करके साइड साइड से थोड़ा सा इसका कपड़ा तिरछा है तो उसको अभी बराबर कट कर लेंगे, थोड़ा बहुत और जो है उसको सिलाई में बराबर कर लेंगे। तब इसके नीचे साइड से भी जहाँ से गोल शेप था तो उसको भी सीधा कट कर लिए हैं और अभी इसको साइड में रख देते हैं। और अब देखिए जो कॉलर के पीछे का है उसमें से ये 4 इंच की पट्टी एक कट हो रही है तो उसमें से 4 इंच पे जो है तो उसको दो टुकड़े में कर लेंगे, दो दो इंच का। तो ये देखिए दो टुकड़ा हमारे पास हो गया और इसकी लंबाई चौड़ाई है ये 15 इंच लंबे दो टुकड़े हैं और दो दो इंच चौड़ाई है इनकी। तो इसको देखिए इस तरह से मोड़ के और दो स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। अब पहला आइडिया है जो पहले बाजू वाला कट किए थे उसमें देखिए इस तरह से सिलाई चला लिए हैं और सिलाई चलाने के बाद अब एक टुकड़े पे जो ये मोहरी का सिलाई चला के इसको देखिए रखे हैं तो इसको बीच में सेंटर में देख के और ऊपर से एक इंच छोड़ के बीच में इस तरह से इसको रखेंगे
और इस तरह से रखने के बाद जहाँ से इसका ये ऊपर का है ना उस पर से भी एक इंच छोड़ देंगे। पूरा मिला के ऊपर से 2 इंच पे ये छोड़े हैं और नीचे से देखिए 2 इंच पे छोड़ के और इस तरह से चारों तरफ से इस पर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए एक साइड में 1 इंच है और एक साइड में 2 इंच है। अभी इस पर सिलाई चला लिए हैं और स्ट्रिप को देखिए तैयार कर लिए हैं। अब इसको इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए उल्टा साइड करके और ऊपर से दोनों साइड में 3-3 इंच छोड़ के और फिर अटैच करेंगे इसको। 3 इंच पे मार करके और इस तरह से देखिए सिलाई चला लेंगे। और सेम इसी तरह से दूसरे वाले टुकड़े में भी दूसरा स्ट्रिप को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों पे सिलाई चलाने के बाद अब देखिए इसको एक कपड़ा को रखेंगे सीधा और दूसरे कपड़े को उल्टा रख के और इस तरह से अच्छे से इसको बराबर मिला करके और फिर 3 साइड से सिलाई चला लेंगे इस पर। तो जिस शेप में है नीचे से गोल है तो उसी तरह से सिलाई चलाएंगे। तभी देखिए इस तरह से तीनों साइड में सिलाई चला लिए हैं। अब ये छोटू सा बैग बन के तैयार हो गया है। और इस तरह का शॉपिंग बैग रहता है ना कहीं भी आप जाइए ना तो कभी कभी होता है कि हम अपने साथ बैग ले जाना छोटा सा इस तरह का थैला ले जाना भूल जाते हैं, जिसे कोई भी सामान अचानक से कभी लेना हो ना तो दिक्कत होती है। और इसमें एक नया इसमें ये है कि देखिए इसको इस तरह से करके फोल्ड करके और एक छोटा सा बना के और इसको आप अपने बैग में कहीं भी अपना पर्स जो ले जा रहे हैं उसमें भी रख सकते हैं। तो कपड़ा जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और कभी भी कहीं भी अचानक से कुछ भी ख़रीदना हो तो आपके पास पहले से एक झोला इसमें पड़ा रहेगा। तो देखिए कितना छोटा सा ये फोल्ड हो गया। तो इस तरह से आप इसको पर्स में भी रख के ले जा सकते हैं या अगर आप छोटा सा पोटली बैग लेके जा रहे हैं तो उसमें भी ये आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से अपने साथ इसको ले कर चलिए, जिससे कभी भी कहीं भी कुछ भी लेना हो तो अलग से इसके बैग के लिए ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है। और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और बनाना बिल्कुल आसान है। अब दूसरा आइडिया के लिए जो कपड़ा को कट करके रखे हैं बीच वाला उसी में से देखिए इसको बीच वाले में से कट करके जो रखे हैं तो इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे। तो कटिंग पहले ही कर लिए थे दोनों ही आइडिया का, बस अब स्टिचिंग का रह गया है। अभी देखिए उल्टा करने के बाद बराबर कर लेंगे और बराबर करके बराबर से जहाँ ऊपर से देखिए जहाँ से बाजू का था थोड़ा सा तिरछा है तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा करके सिलाई चला लिए हैं। और सिलाई चलाने के बाद अब इसको इस तरह से इसका बटन को खोल के और इसको सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। और ये बहुत ही आसान तरीके से पिलो कवर भी इस तरह से आप बना सकते हैं। और साइज़ का है ना कि जिस तरह का आपके पास शर्ट है, अब अगर आपके पास ये ना इसकी लंबाई चौड़ाई एक्स्ट्रा है तो 1-1 इंच पे सीधा करने के बाद चारों तरफ से सिलाई चला लें, जिससे एकदम बिल्कुल रेडीमेड पिलो कवर तैयार हो जाएगा। और देखिए बीच में से इस तरह से खोल के मैं इसको बनाई हूँ इस तरह के ब्लैंकेट के लिए। इस तरह के ब्लैंकेट रहते हैं, अगर आप चाहें तो उसको अगर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है तो आप इस तरह के ब्लैंकेट को इस तरह से करके रख के और एज अ पिलो का पिलो भी इसको यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने बेड में इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना के इसको रख दीजिए। तो देखिए इसमें 2 अभी रख के दिखा रहे हैं, ये डबल बेड का 2 है और इसमें 1 अभी आ जाएगा तो मेरे पास अभी ये 2 ही है बाहर तो मैं इसी को रख रही हूँ और काफ़ी अभी इसमें जगह है। तो देखिए इस तरह से करके बस बटन को बंद कर दें। तो इसे चाहे तो आप एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ करें या फिर पिलो भी बना के और इसके ऊपर भी अगर इसको पिलो की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक और कवर लगा लें। तो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया सिर्फ कपड़े का सीधा और चारों तरफ से शर्ट में से सिलाई करके। तो देखिए एज अ पिलो कवर पिलो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर साइड से अभी बड़ा होता तो 1-1 इंच सिलाई चला देते, बिल्कुल रेडीमेड पिलो की तरह हो जाता, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ दी हूँ ताकि इसमें ज़्यादा ब्लैंकेट आ जाए।
तो देखिए दोनों ही आइडिया एक सिर्फ एक पुराने शर्ट से और झटपट बन के तैयार हो जाता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।